हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजे किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव आ जाएगा, जैसा कि शाम के 8:30 बजे वाली हमारी लाइव क्लास का टाइम हो गया है। आज हम बात करने वाले हैं जीएस के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों के बारे में, जिनका आपका मॉक टेस्ट लगेगा। सभी विद्यार्थियों को ईमानदारी से अपना कमेंट करके बताना है प्रत्येक सवाल का जवाब, और अंत में आप सभी विद्यार्थियों को कमेंट करके ये भी बताना कि आपके कितने स्कोर आए, ताकि हमें भी पता चल पाए और अपने साथी जो वीडियो देखते हैं उनको भी पता चले अपने साथियों की कितनी कंपटीशन हो पा रही है। चलिए दोस्तों, बिना देरी के सेशन की शुरुआत करते हैं। इससे पहले सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय मां शारदे। और जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पे है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इंडियन आर्मी की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए रेगुलर हम क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। और आज के टेस्ट में मैं आपको 22 प्लस का टारगेट देता हूं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से मैंने इंक्लूड किए, और अंत में आप कमेंट करके जरूर बताएगा, ईमानदारी से अपना टेस्ट लगाएगा। चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर एक का जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्या दे रखा है? पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम की बात कर लेते हैं, किस तरह की चट्टानों से प्राप्त होता है? तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, अवसादी चट्टान, बिल्कुल का उत्तर सी। यदि मैं बात करूं कोयला और पेट्रोलियम की, तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, अवसादी चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। अब एक क्वेश्चन बनता है, भारत की प्रथम तेल रिफाइनरी कौन सी है? तो आप ध्यान रखिएगा, डिगबोई असम वाली है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। दो नंबर आपके के सामने आ चुका है। क्या दे रखा है? एथलीट जो फुट है वो नामक रोग किससे फैलता है? तो इस रोग की बात करें तो कई बार पेपर में रिपीट हो चुका है, तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, कवक कह दो या फंगस कह दो, एक ही बात है, ध्यान रखिएगा, कई बार आपको पता है। और यदि मैं बात करूं फाइलेरिया रोग होता है, जो हाथी पांव रोग या फिल पांव रोग कहते हैं, वो आपको पता होगा परजीवी से फैलता है, यह भी सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। तीन नंबर आपके स्क्रीन आ चुका है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पॉजिट्रॉन की खोज की बात करें तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ये बता रहे हैं, एंडरसन, बिल्कुल का उत्तर सही है। और आज सभी विद्यार्थियों को मैं होमवर्क देता हूं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, ये आज आपको कॉमेंट करके बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने काफी बार क्लासों में बता चुका हूं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। चार नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर चार का जवाब देने की कोशिश करिएगा। रेडियन किसकी इकाई है? यानी रेडियन की बात करें तो ये किसका मात्रक है? तो आपको बताऊंगा, रेडियन जो कोण का मात्रक होता है, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, बिल्कुल का उत्तर सी है। यदि हम बात करें रेडियन की, तो वो कोण का मात्रक होता है, और यदि डिग्री की बात करें तो वो भी आपको पता होगा कोण का मात्रक होता है। सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा, कई बार पेपर में आ जाता है। और यदि मैं बात करूं स्टेरेडियन किसका मात्रक होता है, तो वो ठोस कोण के मात्रक की बात करें तो स्टेरेडियन होता है, यह भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। पांच नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है, खून की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो खून की कमी से होने वाले रोग की बात करें तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, एनीमिया, बिल्कुल का उत्तर सी है। अब बात कर लेते हैं एनीमिया को हिंदी में क्या कहते हैं? तो एनीमिया को हिंदी में कहते हैं रक्त अल्पता रोग, जिसमें आपको पता है हीमोग्लोबिन में बात कर लेते हैं, जो लोहे अंश होता है उसकी कमी हो जाती है। यानी हम बात कर लेते हैं लोहा धातु की हीमोग्लोबिन में कमी होने के कारण आपको पता है रक्त अल्पता रोग हो जाता है। और यदि मैं बात करूं हीमोफीलिया की, तो हीमोफीलिया को आपको पता है साई रोग भी कहा जाता है, और यह रोग होता है जिसमें आपको पता है रक्त की क्लोटिंग नहीं होती, यानी हम बात कर लेते हैं रक्त का का नहीं जमता है, ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। छह नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। क्या दे रखा है? विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है? विरंजक चूर्ण की बात कर लो, या कह दो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है? तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, CaOCl2, बिल्कुल का उत्तर सी, आराम से कर सकते थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। और कास्टिक सोडे के सूत्र की बात करें तो आपको पता होगा NaOH होता है, यह भी सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा, कई बार पेपर में रिपीट हो चुका है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। सात नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। क्या दे रखा है? खींची हुई जो धनुष होती है उसमें संचित ऊर्जा कौन सी होती है? तो खींची हुई धनुष में आपको पता होगा, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे, स्थितिज ऊर्जा, बिल्कुल का उत्तर सही है। और कई बार आ जाता है, जो आपको पता है घड़ी की चाबी होती है उसमें कौन सी संचित ऊर्जा होती है? जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएगा, यह क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। आठ नंबर का जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। पायरोमीटर का उपयोग किस राशि के मापन में किया जाता है? तो पायरोमीटर का उपयोग बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे, उच्च ताप के मापन में, बिल्कुल का उत्तर सही है, कई बार पेपर में रिपीट हो चुका है। और थर्मामीटर आपको बताया, सामान्य तापमान को मापने के लिए थर्मामीटर का यूज किया जाता है, यह भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है।
चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। दो नंबर आप किसके सामने आ चुका है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। पहले बात कर लेते हैं रेबीज का टीका, आपको बताए जो कि रेबीज बीमारी की बात करें तो कुत्ते के काटने से होती है, और उसके टीके का आविष्कार बिल्कुल जो ऑप्शन में बता रहे लुई पाश्चर, बिल्कुल का उत्तर सही है। आराम से कर सकते थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिया। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। दस नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है, क्या दे रखा है, शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है। यदि हम डिग्री सेंटीग्रेड में बात करें तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये आपको पता होगा, और यदि हम बात करें डिग्री फारेनहाइट में तो बिल्कुल जो ऑप्शन में सी बता रहे 212 डिग्री फारेनहाइट बिल्कुल का उत्तर सही है, और यदि हम बात करें गलनांक की तो 32 डिग्री फारेनहाइट या कहीं 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ये भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 11 नंबर आपके सामने आ चुका है, क्या दे रखा है, ब्रोंकोकाइटिस की बात कर लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संसदी शोध, रोग संबंधित है, ये इस रोग का संबंध किससे है, तो बिल्कुल जो ऑप्शन में सी बता रहे फेफड़ा। फेफड़ा में आपको पता है दलिया होती है, उसमें सूजन आ जाता है इस तरह के रोग में, तो आप सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। और कई बार आ जाता है दमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो दमा रोग आपको पता होगा श्वास नली को प्रभावित करता है, यह भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 12 नंबर आपके सामने आ चुका है, क्या दे रखा है, बादल किस मंडल में अवतरित होती है। बादल की बात कर लेते हैं, किस मंडल में अवतरित होती है, तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं सौ मंडल बिल्कुल का उत्तर सी है। अब बात कर लेते हैं वायुयान होते हैं वो किस मंडल में उड़ती है, तो वो समताप मंडल में उड़ती है, ये भी सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए, कई बार पेपरों में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 13 नंबर आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करिएगा, रांगा किसका विश्व धातु है। रांगा की बात कर लेते हैं, तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं टिन और शीशा बिल्कुल का उत्तर सही है। कई बार पेपरों में पूछा गया क्वेश्चन है कि रांगा किसका विश्व धातु होता है, तो आप सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा, रांगा होता है टिन और शीशा का विश्व धातु। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 14 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करेगा, विटामिन ई की कमी से निर्मित रोग कौन सा है। तो विटामिन ई की कमी से आपको पता होगा बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे जनन क्षमता में कमी, जिसे हम कहते हैं नपुंसकता, तो ये रोग आपको पता होगा विटामिन ई की कमी से होता है, सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा, कई बार आ जाता है। अब बात कर लेते हैं स्कर्वी रोग की बात करें, तो आपको पता होगा विटामिन सी की कमी से होता है, जो कि खट्टे फलों में पाया जाता है। और यदि मैं बात करूं रिकेटस रोग की, तो रिकेटस रोग की बात करें, तो आपको पता होगा हड्डियों से संबंधित बीमारी जो कि विटामिन डी की कमी से होते हैं, वो आपको पता है इसे कहते हैं रिकेटस बीमारी, ये भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। और यदि मैंने अभी बताया था रक्तअल्पता रोग जिसे कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 15 नंबर आपके सामने आ चुका है, सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है। कई बार पेपरों में पूछा गया एलपीजी और सीएनजी का फुल फॉर्म, तो एलपीजी का फुल फॉर्म बात कर लेते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, और सीएनजी का होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ये बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही, कई बार पेपर में पूछा गया, जल्दी से सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा, बहुत बढ़िया, काफी सारे विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब दे चुके हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब देने की कोशिश करेगा, वायुयान की गति मापन का उपकरण कौन सा है। तो वायुयान की गति आपको पता होगा बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं टेकोमीटर बिल्कुल का उत्तर सही है। और स्पीडोमीटर की बात करें तो वायुओं की गति नापने में काम लेते हैं, और समुद्र की गहराई फेदोमीटर के द्वारा नापी जाती है, यह भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 17 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है, दिया सलाई में शीर्ष में क्या लगा होता है। दिया सलाई का मतलब होता है जो हम बात कर लेते हैं बातचीत की जो तीलिया होती है उसके आगे जो पदार्थ लगा होता है वो कौन सा होता है। तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं लाल फास्फोरस बिल्कुल का उत्तर सही है। ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, सभी विद्यार्थी स्टार लगा लीजिएगा, कई बार पेपर में बार बार रिपीट हो चुका है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 18 नंबर आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन क्या है, छड़ चुंबक होती है, छड़ चुंबक की बात कर लेते हैं। दोनों सिरों पर आपको पता है चुंबकत्व कितना होता है, तो आपको पता होगा यदि हम बात करें छड़ चुंबक की बात करें उसके मध्य में चुंबकत्व कितना होता है, तो आप करते हैं शून्य। ये पेपर में आया क्वेश्चन है कि छड़ चुंबक होती है उसके मध्य में चुंबकत्व कितना होता है, तो शून्य होता है। और यदि आपको ध्रुवों पर बात करें सिरों पर बात करें तो सर्वाधिक होता है, यदि अधिकतम होता है, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। ध्यान रखिएगा यदि मध्य की बात करें तब आपको शून्य करना है, और सिरों पर बात करें तब करना है अधिकतम। चलिए दोस्तों आगे बढ़े,
अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, 19 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। कैमरे का कौन सा भाग, कैमरे का कौन सा भाग मानव नेत्र की रेटिना की भांति कार्य करता है, यानी दृष्टि पटल जिसे हम कहते हैं। आपको पता होगा रेटिना का काम क्या होता है, कोई भी आपको पता है प्रतिबिंब बनता है वो आपको पता है मानव नेत्र में रेटिना पे बनता है। और इसी तरह यदि हम बात करें कैमरे का कौन सा भाग होता है, तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे फिल्म, बिल्कुल का उत्तर सही। कई बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, 20 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है, अम्लीय वर्षा आपको पता है वर्षा जल का पीएच मान जब 5.5 से कम हो जाता है तो उसे हम कहते हैं अम्लीय वर्षा। और उसके मुख्य कारक की बात करें तो बिल्कुल जो ऑप्शन मेरे बता रहे सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 बिल्कुल का उत्तर सी है। मुख्य की बात करें तो ये होती है। और अमोनिया का सूत्र कई बार पेपर में आ चुका है NH3 होता है, ये भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, 21 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। लाल और हरा रंग मिलकर कौन सा रंग बनाते हैं, तो लाल और हरा रंग की बात करें तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे पीला रंग बिल्कुल का उत्तर सी है। जब लाल और हरे रंग को मिलाया जाता है तो पीला रंग बनता है, यह सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, 22 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। डीएनए की संरचना, डीएनए की संरचना आपको पता है किसने प्रस्तुत की थी, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल हम बात कर लेते हैं। यह आपको पता होगा डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है, यह सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। और यह किसने प्रस्तुत किया था, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे वाटसन और क्रिक बिल्कुल का उत्तर सी है। और आनुवंशिकता का नियम किसने दिया था, मेंडल ने दिया था, यह भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। और कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी, यह भी याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, 23 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। विलक ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है, विलक ऑफ मैग्नीशिया की बात करें तो आपको पता होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है। बिल्कुल कौन सा बता रहे, जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे MgOH की होल ट्वाइस बिल्कुल का उत्तर सही, कई बार पेपरों में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, 24 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। ल्यूमेन किसका मात्रक है, ल्यूमेन की बात करें तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, ल्यूमेन होता है। और पेपर में आ चुका है कई बार ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तब आपको करना पड़ता है कैंडेला, ये भी सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, 25 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, 2-4 जो डी है वो क्या है, 2-4-D की बात करें तो ये बिल्कुल जो ऑप्शन और कौन सा बता रहे सी बता रहे खरपतवार नाशी है, बिल्कुल का उत्तर सी खरपतवार नाशी है। और यदि कई बार क्वेश्चन आ चुका है DDT क्या है, आपको पता होगा कई बार पेपर में आ चुका है DDT क्या है, DDT की बात करें तो ये आपको पता है कीटनाशक होता है, ये भी सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा, कई बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, 26 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। दिला ग्रह कहलाता है, दिला ग्रह आपको पता होगा यदि बात करें तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे ऑप्शन नंबर जो बी बता रहे पृथ्वी बिल्कुल का उत्तर सी है। और लाल ग्रह की बात करें तो मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, यह भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, 27 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। सौर प्रणाली में सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, सौर प्रणाली में सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे ना गैनीमेड बिल्कुल का उत्तर सही, कई बार गैनीमेड भी लिखा सकता है, यह भी ध्यान कीजिएगा। और सबसे छोटा उपग्रह की बात करें सौर प्रणाली में तो आपको पता होगा डीमोस होता है, यह भी सभी विद्यार्थी को नोट कर लेना है। और कई बार पेपर में क्वेश्चन आ चुका है टाइटन क्या है, तो यह भी आपको पता होगा शनि का उपग्रह, सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, 28 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। रक्त शर्करा को नियंत्रित कौन करता है, यानी रक्त शर्करा यानी रक्त में जो शर्करा की मात्रा होता है उसको नियंत्रित कौन सा हार्मोन करता है, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे इंसुलिन हार्मोन बिल्कुल का उत्तर सी है। और इंसुलिन हार्मोन का श्रवण की बात कर लेते हैं तो अग्नाशय ग्रंथि से होता है, यह भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। और काफी सारे युवा हमारे साथ अभी तक लाइव है, तो जितने भी विद्यार्थी लाइव है एक बार सेशन को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इंडियन आर्मी की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए रेगुलर हम क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। आपको पता होगा ये क्लासेस जो कंटेंट होता है कितनी के साथ बनाया जाता है, और आपका जो एक लाइक होता है वो हमारा मनोबल बढ़ाता है, हमें मोटिवेट करता है रेगुलर क्लास लेने के लिए। आपको पता है
कोई भी दिक्कत होती है, लेकिन आपके लिए रेगुलर शाम 8:30 बजे में क्लास लेकर आता हूं, क्योंकि वो एक आपका मोटिवेशन, जो आपको पता है एक लाइक करते हो आप, शेयर करते हो आप, बच्चों का जो प्यार मिला है उसके बदौलत मैं आपको पता है रेगुलर क्लास लेने के लिए तैयार रहता हूं आप सभी विद्यार्थियों के लिए, ताकि विद्यार्थियों का कुछ ना कुछ फायदा हो पाए। और विद्यार्थी काफी सारे मैसेज करते रहते हैं, सर हम टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं। तो जो भी विद्यार्थी टॉपिक वाइज अध्ययन करना चाहते हैं, अपने सब्जेक्ट को मजबूत करना चाहते हैं प्रत्येक सब्जेक्ट को, तो हमने जो टॉपिक वाइज ई बुक बना रखी है उसमें सारे सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे रखा है, आराम से आप वहां से डाउनलोड कीजिए। और प्रैक्टिस सेट भी मैंने दे रखा है, जो हम बात कर लेते हैं, जो पीछे के पेपर आ रखे हैं उनका प्रैक्टिस सेट भी बनाकर मैंने दे रखा है। दोनों तरह की ईबुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जो भी विद्यार्थी खरीदना चाहता है आप जरूर खरीदिएगा और अपनी तैयारी को घर बैठे मजबूत कीजिएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन में बात कर लेते हैं, 29 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने चुका है। सबसे हल्का तत्व, सबसे हल्का तत्व की बात करें तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं हाइड्रोजन, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। अब कल परसों मैंने एक क्वेश्चन करवाया था आपको पता होगा, सबसे अब बात कर लेते हैं हल्की गैस की बात करें तब भी आपको हाइड्रोजन करना है। कई सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे सर हीलियम होता है, कान खोल के सुनिएगा, हीलियम अकेले गैस की बात करें सबसे हल्की तब हीलियम होती है। विद्यार्थी ऐसे कमेंट करने लग जाते हैं उनको पता बिल्कुल भी रहता ही नहीं, हल्की गैस की बात करें, हल्की तत्व की बात करें तो हाइड्रोजन ही होगा। और हम बात कर लेते हैं अकेले गैस की बात करें, सबसे हल्की अकेले गैस कौन होती है, तब आपको हीलियम करना पड़ता है। फिर सुन लेना जो विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे उनके लिए। और सबसे हल्की धातु की बात करें तो वो लिथियम होती है। तीनों क्वेश्चन अलग अलग है, नोट कीजिएगा। हल्का तत्व तो हाइड्रोजन होगा, ठीक है, हल्की गैस भी हाइड्रोजन होगा। हल्की अकेले गैस की बात करें तो आपको पता होगा हीलियम होगी, और हल्का धातु की बात करें तब लिथियम होगी। तीनों चारों क्वेश्चन मैंने ध्यान से बता दिया, सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा, फिर कंफ्यूज इधर उधर कॉमेंट करते रहते हैं, क्योंकि पढ़ना बिल्कुल आप पढ़ते हैं, यदि टॉपिक वाइज पढ़ोगे तभी तो कोई चीज मजबूत होगी। आप ध्यान रखिएगा दोनों क्वेश्चन अलग है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, 30 नंबर आपके जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 30 का जवाब देने की कोशिश करेगा। क्या दे रखा है, मोनोजाइट किसका हम बात कर लेते हैं, खनिज है, तो आपको पता होगा मोनोजाइट की बात करें तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं थोरियम, बिल्कुल उनका उत्तर सही। कई बार पेपरों में रिपीट हुआ क्वेश्चन है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट की बात करें तो लोहे का मुख्य आवश्यक होता है, ये भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना। ये थी दोस्तों आज की क्लास, जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएगा इन 30 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए। हालांकि मैंने 22 प्लस का कहा था, उम्मीद करता हूं इस क्लास में आप 25 प्लस का टारगेट लेके आए होंगे, बिल्कुल बहुत बढ़िया। काफी सारे युवाओं का लाइव चैट में जवाब भी आ रहा है, सर हमने इतना स्कोर किया, कईयों का 25-26 जो भी आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो आप रेगुलर तैयारी करते रहेगा, और मैंने बता दिया आपको टॉपिक वाइज ईबुक या प्रैक्टिस सेट ईबुक लेना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में दे दिए, आप जरूर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।